झारखंड में आतंक का दूसरा नाम रहे गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ इलाके की जनता इस बार लोकतंत्र के महापर्व को खुलकर मनाएगी। जनता को सुरक्षा का और भी भाव दिलाने और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने खुद झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गढ़वा पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। माओवादियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान में भाग लेंगे बूढ़ा पहाड़ इलाके के लोग। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा जिला अंतर्गत भंडरिया थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ से सटे हेसातु गांव में पहुंचकर वहां चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग इन इलाकों में लोकतंत्र को पूरी तरह से स्थापित करने की तैयारी में है। व्यवस्था करने वाला काम किया, सभी जवान यहाँ का सुरक्षा कर्मी, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इस एरिया का भयमुक्त करा दिया, इस एरिया पूरा सुरक्षित कर दिया। इसलिए पहले बार हम लोग यहाँ पर वोटिंग करवा रहे हैं, उसका साथ में और भी कितना भी वोट है सब झारखंड। पहले का नक्सल एलडब्ल्यू का एक्टिविटीज बहुत ज्यादा था, उस समय में भी वो मदद है बाहर निकाल के आता है, उस समय में उनका छुप छुप के आकाना पड़ती है। अभी आपका सर उठा के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी पहुंचे। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन एबी होमकर ने अपने अधिकारियों और जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि कई सालों की मेहनत के बाद बूढ़ा पहाड़ की तकदीर और तस्वीर बदली है। लगातार यहां पे अभियान चलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से इस क्षेत्र को काफी हद तक, या मैं कहूंगा लगभग नक्सल मुक्त बनाया गया है, तो इसमें हमारे कई जवानों ने, पदाधिकारियों ने, कई कर्मियों ने शहादत दी है। तो आज हम बहुत ये सुखद अनुभव है जब हम हेसातु में आज यहाँ पे हैं और गांव वाले खुद सामने आकर हमें बता रहे हैं कि वो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, भयमुक्त वातावरण है और पूरा उत्साह है यहाँ पर मतदान में अपना योगदान सभी देना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के प्रयासों ने झारखंड के लगभग सभी इलाकों से लाल आतंक का खात्मा कर दिया है। अब बारी आपकी और हमारी है कि लोकतंत्र के महापर्व को ऐतिहासिक बनाए। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से अरुण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।